इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में उथल पुथल के बीच राकांपा चीफ शरद पवार सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है, महाराष्ट्र में सरकार गिराने की साजिश पहले भी 3 बार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि उद्धव के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी, ये शरद पवार ने कहा है। कहा है ये जा रहा है कि सिंधे विधायकों के साथ कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। 31 महीने पहले महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी, तब शिवसेना एनसीपी गठबंधन के पास 153 विधायक थे और आज भाजपा के पास 106 विधायक। विधानसभा 288 विधायकों की है, यानी सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। मौजूदा हालात में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के पास 153 विधायक बचते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चलती रहेगी।